पैन इंडिया फिल्म हनुमान को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो रहे हैं और यह फिल्म अपने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म हनुमान के अब तक के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पैन इंडिया फिल्म हनुमान, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रसन्न वर्मा ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे तेजा सज्जा, इस फिल्म का बजट सिर्फ 50 से 55 करोड़ रुपये था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार कमाई कर ली है। जी हाँ, फिल्म में हिंदी में जबरदस्त कलेक्शन किया, साथ ही साथ जानेंगे फिल्म का साउथ लैंग्वेज कलेक्शन भी दूसरे हफ्ते में पूरी तरह से कमल का रहा। हालांकि बात करें अब तक के यानी कि 11 दिन टोटल कलेक्शन के बारे में, तो हनुमान फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया 114 करोड़ 45 लाख रुपये। वहीं फिल्म ने अपने 10वें दिन की बात करें यानी कि सेकंड संडे इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 17 करोड़ 65 लाख रुपये का किया था। बात करें इस फिल्म की आज यानी 11वें दिन के कलेक्शन के बारे में, फिल्म का मॉर्निंग शोज वाली ऑक्यूपेंसी में अच्छी खासी मिली, लेकिन आफ्टरनून इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग रही वो काफ़ी बुरी रही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आए, जिसके चलते पब्लिक सिनेमाघर जाना पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक घर बैठे हैं या फिर अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाले हैं, जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्शन में 11वें दिन एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। ये फिल्म आज इंडिया से नेट कलेक्शन सिर्फ 4 करोड़ कर रही है। इसी के साथ हनुमान फिल्म का शुरुआती 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 136 करोड़ 10 लाख रुपये। जी हाँ, ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 136 करोड़ 10 लाख रुपये और इंडिया ग्रोस कलेक्शन 162 करोड़ 23 लाख रुपये। बता दें आपको कि फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 210 करोड़ 95 लाख रुपये और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। आप तो अब हम बात करेंगे फिल्म गुंतूर कारम के बारे में। पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई महेश बाबू की फिल्म गुंतूर कारम को आज बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म अपने 11वें दिन रनिंग में थिएटर्स में लगी हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म गुंतूर कारम के बारे में और ऑल इंडिया नेट कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म गुंतूर कारम, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर श्री विक्रम श्रीनिवास ने, और इस फिल्म में देखने को मिले थे सुपरस्टार महेश बाबू, श्री लीला। इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपये था। इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 11 दिन। बता दो कि फिल्म ने पहले हफ्ते में अच्छी खासी कमाई की, वही दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शन में एक तरह से डिसेंट है। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि फिल्म सिर्फ सिंगल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु में रिलीज़ हुई और एक ही भाषा यानी कि साउथ में रिलीज़ होने के बावजूद भी इस फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से कमाल के रहे। बात की जाए गुंतूर कारम के 11 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो गुंतूर कारम ने शुरुआती 9 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 144 करोड़ 72 लाख रुपये का कलेक्शन किया। वहीं 10वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 81 लाख रुपये रहा। हालांकि याद जाने की 11वें दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके चलते फिल्म कई सारे थिएटर आफ्टरनून और इवनिंग में शोज के पूरी तरह से खाली रहे। तो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गुंतूर कारम फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ 50 लाख रुपये। इसी के साथ गुंतूर कारम का 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 150 करोड़ 10 लाख रुपये का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 182 करोड़ 30 लाख रुपये हुआ। बता दूँ आपको कि फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है 232 करोड़। जी हाँ, फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये, फिल्म 11 दिनों में दुनिया भर में 232 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है।